ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड वन। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है ना, वो भी एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड क्या होता है, वन होता है। क्यों होता है वो भी देख लो। मैंने बोला कि एवरी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड वन। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे देखो, हमें पता है ना ए स्क्वायर अगर ए हो जाए तो ए आइडेंपोटेंट हो गया। ए क्यूब ले लो आप, तो ए क्यूब ले लोगे तो ए क्यूब भी ए स्क्वायर के इक्वल होगा और वो ए के इक्वल होगा। अभी बताया मैंने, ए टू द पावर 4 ले लोगे वो भी इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, 5 ले लो, 6 ले लो, कोई भी पावर ले लो, ये इक्वल होता जाएगा। तो ए टू द पावर के प्लस वन को अगर मैंने ए लिखा तो के का सबसे छोटा कौन सा वैल्यू होगा जिस पर ये ए मैट्रिक्स आइडेंपोटेंट बन जाए, वो के इज इक्वल टू वन के लिए। अगर तुम देखो तो k का वैल्यू 2 भी लोगे तो भी ये ट्रू है, 3 लोगे तो भी ट्रू है, बट सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू तो k इज इक्वल टू 1 ही है ना। आ रही है मेरी बात समझ में? k इज इक्वल टू 4 लोगे तो भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा, 9 लोगे, 1000 लोगे, सब पे सेटिस्फाई करेगा, बट सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू को हम पीरियड बोलते हैं। तो सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या है जिस पर ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है फॉर एन आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स, वो k इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एवरी आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड वन। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करूंगा क्योंकि क्वेश्चंस में टाइम जो होता है, जो वीडियो बनाने में जो ज़्यादा टाइम लगता है, तो जो क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी तुम कर सकते हो खुद से सॉल्व, वो मैं ऐसे ही डिस्कस कर देता हूँ। ये हमारे पास सबसे पहले ए मैट्रिक्स दे रखा है। ये क्या बोल रहा है, फाइंड ए इज नील पोटेंट और नॉट। बोल रहा है कि चेक करो कि नील पोटेंट है या नहीं है। तो मैंने पहले बोला कि जैसे ही तुम्हें बोले कि ए नील पोटेंट चेक करो, ए की नील पोटेंसी चेक करो कि नील पोटेंट है या नहीं है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, उस पर पावर लेना नहीं शुरू कर दोगे। ये नहीं के टू दी पावर 2 कैलकुलेट कर लिया, 3 कैलकुलेट कर लिया और चेक करें कि कौन से पावर पे पहली बार ए मैट्रिक्स नल आ रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनांट निकालेंगे। डिटर्मिनांट निकाला, आई होप आपको आता होगा कि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट हम कैसे लेते हैं। तो डिटर्मिनांट निकाला तो हमें क्या मिल गया, नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 मिला तो हमने क्या बोल दिया, ए इज नॉट अ नील पोटेंट मैट्रिक्स। क्यों, बिकॉज डिटर्मिनांट वैल्यू ऑफ एवरी नील पोटेंट मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, अब कुछ कोई बच्चा बोलेगा क्या कि अगर डिटर्मिनांट वैल्यू 0 नहीं आता, सॉरी 0 आ जाता तो हम क्या करते, तो फिर चेक करते, तो फिर ए स्क्वायर निकालते, ए क्यूब निकालते, ये नील पोटेंट होता तो नल आ जाता। अब सुनो, डिटर्मिनांट वैल्यू 0 हो गया तो फिर एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, फिर इस बात की हम गारंटी नहीं लेंगे कि वो नील पोटेंट ही होगा। समझ रहे हो, अगर डिटर्मिनांट वैल्यू 0 नहीं है तब तो हम गारंटी ले लेंगे कि वो मैट्रिक्स नील पोटेंट कभी नहीं होगा। अगर डिटर्मिनांट वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको चेक करेंगे, ए टू द पावर 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे। अब मान लो ए टू द पावर 3 पर नल मैट्रिक्स आ गया तो वो नील पोटेंट हो जाएगा, और उस केस में हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑर्डर या इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी इज 3। क्लियर है ये? अब क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक मैट्रिक्स दे रखा है 3/3 ऑर्डर का। यहां क्या बोल रहा है, देन फाइंड वेदर ए इज आइडेंपोर्टेंट और नॉट। तो आइडेंपोर्टेंट और नॉट के लिए क्या है, इसको आप क्या करोगे, डू इट योर सेल्फ, ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल आ गया तो आइडेंपोर्टेंट हो गया, ए स्क्वायर ए के इक्वल नहीं आया तो आइडेंपोर्टेंट नहीं हुआ। तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्या बोल रहा है कि फाइंड ऑल आइडेंपोर्टेंट डायगनल मैट्रिक्स। यहां देखो ये डायगनल लिखा हुआ है, फाइंड ऑल आइडेंपोर्टेंट डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सारे तुम आइडेंपोर्टेंट डायगनल आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स निकालो 3 ऑर्डर का। ठीक है, फाइंड ऑल आइडेंपोर्टेंट डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो डायगनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन 3 करते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड ऑल आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ, फाइंड ऑल डायगोनल आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हमने क्या कर लिया, एक जनरल 3/3 ऑर्डर का डायगनल मैट्रिक्स ले लिया। वो क्या हो गया, अल्फा 0 0, 0 बीटा 0, 0 0 गामा। डायगनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगनल के एलिमेंट को छोड़ के ऊपर नीचे 0 होते हैं। तो ये हमने 3/3 ऑर्डर का एक डायगनल मैट्रिक्स ले लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आइडेंपोर्टेंट निकालना है, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए, यही है ना आइडेंपोर्टेंट का कंडीशन।
तो ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे, फिर वही अल्फा जीरो 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 बीटा जीरो 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 गामा, इसको कर दिया अल्फा जीरो 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 बीटा जीरो 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 गामा, ऐसे लिख लिया ना, और इसको ए के इक्वल कर लिया। ए के हमारे पास अल्फा जीरो 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 बीटा जीरो 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 गामा, ठीक है। ये स्टेप लिखने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी। अगर तुम्हें डायगनल का प्रॉपर्टी आता है तो मैंने क्या बोला था कि अगर किसी भी डायगनल पे अगर तुमने पावर टू ले लिया, यहाँ पे अगर मैंने टू पावर ले लिया तो ये क्या होगा, टू इस डायगनल एलिमेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर थ्री ले लिया तो ये क्या होगा, थ्री इस डायगनल एलिमेंट में आ जाएगा। मतलब ये पावर जो टू है ना, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। एन पावर लिया तो ये बन जाएगा अल्फा टू दी पावर एन बीटा टू दी पावर एन गामा टू दी पावर एन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर लिया था, तो ए स्क्वायर लिया तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर जीरो 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 बीटा स्क्वायर जीरो 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 गामा स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा जीरो 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 बीटा जीरो 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 गामा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि बस क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू जीरो और वन, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या मिलेगा हमें, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, फिर यहाँ से हमें क्या मिला, बीटा इज इक्वल टू जीरो और वन, यहाँ से क्या मिला, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा, तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, गामा इज इक्वल टू जीरो और वन, फिर गामा की वैल्यू क्या मिलेगी, या तो जीरो या तो वन। तो अब इसको तुम ऐसे ध्यान से देखो, अल्फा के कितने पॉसिबल वैल्यूज आ गए, दो पॉसिबल वैल्यूज आ गए, बीटा के कितने पॉसिबल वैल्यूज आ गए, दो पॉसिबल वैल्यूज आ गए, गामा के भी दो पॉसिबल वैल्यूज आ गए, ठीक है ना। अब तुम इसको ऐसे ध्यान दो, हमें क्या करना है, थ्री बाई थ्री ऑर्डर के ऑल पॉसिबल डायगनल आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करना है या बनाना है या फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऐसे देखा, जीरो 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 जीरो, ये थ्री बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तीन प्लेस पर तो तुम कुछ नहीं रख सकते, वो तो जीरो ही होगा बिकॉज डायगनल मैट्रिक्स है। अब इस प्लेस पर, इस प्लेस के लिए कितने पॉसिबल वैल्यूज आ गए, दो पॉसिबल वैल्यूज आ गए, इस प्लेस पर कितने पॉसिबल वैल्यूज आ गए, दो, इस पर कितने आ गए, दो, या तो यहां तुम जीरो डाल सकते हो या तो वन, यहां पे क्या हो गया, तो जीरो और वन, यहां पे क्या होगा, जीरो और वन, यहां क्या होगा, जीरो और वन, ठीक है ना। तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन जाएंगे बाई पी एन सी, एट पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम थ्री बाई थ्री ऑर्डर के एट आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स बना सकते, ठीक है, एट से ज्यादा नहीं बना सकते, नाइन नहीं बना सकते, मैक्सिमम कितने आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं, डायगोनल आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स बना सकते, वो एट ही बना सकते थ्री बाई थ्री ऑर्डर का, नाइन नहीं बना सकते, टेन नहीं बना सकते, मैक्सिमम एट ही बना सकते। कैसे बना सकते हैं वो तुम ऐसे देख लो, एक एग्जांपल देख लो, इसको तुम ऐसे देख लो, या हमने इसको ऐसे बोल दिया, इस तीन प्लेस पर यहां जीरो जीरो जीरो, ये सॉरी थोड़ी हैंडराइटिंग सही नहीं आ रही है, जीरो जीरो जीरो, इसके लिए दो पॉसिबिलिटी है, जीरो वन जीरो वन जीरो वन, कुछ भी रख सकते हैं, या तो सब पे वन ले लिया, तो सब पे जीरो ले लिया, या तो यहां वन ले लिया, यहां जीरो ले लिया, यहां वन ले लिया। तो एक हमारे पास मान लो ए वन आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स बन रहा है, कैसे बना लिया, हमने तीनों पर वन डाल लिया, जीरो 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 वन जीरो 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 वन, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और हमें पता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर खुद आई के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैंने ले लिया ए वन स्क्वायर, तो ये ए वन के इक्वल आ जाएगा। तो एक तो ये आइड इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बन गया थ्री बाई थ्री ऑर्डर का। दूसरा अगर तुम बनाना चाहते हो तो ऐसे ले लो, जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो, एक दूसरा आइड इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तीसरा बनाना चाहते हो सबको जीरो ले लो, वो भी बन जाएगा। ए थ्री ले लो, ए थ्री क्या हो जाएगा, जीरो 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 जीरो। इसी प्लेस के लिए हमारे पास सिलेक्शन है, ये तीन जो जीरो है ये तो होंगे ही होंगे, अगर इसको तुमने चेंज कर दिया तब तो ये डायगनल मैट्रिक्स ही नहीं होगा। इसके लिए इस प्लेस पर या तो तुम जीरो डाल दो या तो वन डाल दो, यहां जीरो डाल दो वन डाल दो, यहां जीरो डाल दो वन डाल दो, चल जाएगा।